सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 से 3 नंबर में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आप किसी भी बोर्ड से उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता है, क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि 2 से 3 नंबर हमारा आए तो इस वीडियो को बढ़िया से देखिए। अगर आपको 3√2 की जगह आपको 3√7, 3√11 या फिर 5√7 करके कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे माना कि जैसे क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर 3√2, तो 3√2 रखेंगे, 5√7 रहेगा तो 5√7 रख देंगे। तो माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर होता है पी बटे क्यू, तो 3√2 बराबर पी बटे क्यू। अब क्या करेंगे, रूट टू को हम यहीं पर रहने देंगे, 3 को क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्यू हो जाएगा और रूट टू यहाँ पर अपरिमेय हो गया, पी बटे 3 क्यू एक परिमेय संख्या होगा। तब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पी बटे 3 क्यू एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अपरिमेय बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता है परिमेय, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। देखिए 3√2 के जगह अगर आपको 5√7, 3√7, 5√11 या 3√11 करके कोई क्वेश्चन पूछता है, तो बस 3√2 जो मान यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस मान को खाली आपको चेंज करना है, इसके जगह दूसरा जो मान रहेगा जहाँ जहाँ पर है उसके जगह खाली मान हम चेंज कर देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10 की सबसे इंपॉर्टेंट मैथ की ही वीडियो डाली जाती है।